तो मैंने उलझ देखी और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ चीज़ें अच्छी की जाएंगी, बट उलझा के रखती है मूवी। जो ऐसा नाम है वैसा ही उलझा के रखती है। एक होता है कि तुमको मिस्ट्री में उलझा के रखे, एक होता है तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें डाल के दे, इतनी इन्फॉर्मेशन फूस दे कि तुम बोर हो जाओगे। मतलब तुम नहीं चाहते हो यार, एज एन ऑडियंस तुम नहीं चाहते हो मिस्ट्री सॉल्व करना। तुम्हें नहीं है मतलब रिवील करना है, डायरेक्ट करो। और अगर महाराजा जैसी या कुछ ऐसी मूवी हो जो कि इतना पकड़ के चल सके कि एंडिंग में तुम जस्ट लाइक माइंड ब्लोन हो जाओ, वैसा कुछ हो तो मजा आ जाए। लेकिन जब मतलब तुमको एंडिंग में पता चले कि यार इतनी छोटी सी चीज के लिए इन्होंने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, यू आर डिसअपॉइंटेड। लाइक तुम्हें लगेगा कि मतलब वेस्ट ही गए हैं और वेस्ट ही जाते हैं। मतलब सच बताओ तो वेस्ट ही जाते हैं इतना टाइम ये मूवी देखने में। 2 घंटे और 14 मिनट की इस मूवी में हमें लीड रोल में गुलशन देवैया और क्या कहते हैं जाह्नवी कपूर नजर आती हैं। इनके साथ साथ और भी आगे पीछे कैरेक्टर है, जैसे चैंग हैं जो कि तुमने देखा होगा। मतलब बहुत पहले मूवी आई थी एक शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा की, मुझे याद नहीं है नाम उसका, बट उसमें वो था। रोशन मैथ्यू करके भी एक एक्टर हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जाह्नवी कपूर ने यहाँ पे हगा है, लेकिन गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यू जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट काम करते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर तुम ऐसे बात करो मूवी की कि मूवी किस तरह से चलती है, कैसा कुछ होता है, तो ये एक मतलब नेपोटिज्म वाले परिवार से आती है जाह्नवी कपूर, आयरनी देखो। और मतलब वो जॉब पे जाती है जहाँ पे उनके अपने वर्कर्स से जो रॉ एजेंट वगैरह मिनिस्ट्री सब होता है उनसे कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। फिर वो चाहती है कि मतलब उनको डिस्कवर करती है कि कुछ ज़्यादा गलत हो रहा है और देश को बचाना है, और वो उसमें जुट जाती हैं। गुलशन देवैया जो है वो मतलब विलेन के किरदार में है और उनका अलग अलग नाम है, और वो तुमको पता चलेगा एक रिवील होते होते। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं है इस मूवी में ऐसा जो तुमको बांध के रख सके। सबसे तगड़ी चीज़ क्या होती है कि जब तुम ऐसी मूवीज बना रहे हो, जब इतना मतलब सुधांशु सड़िया जो है जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने ऐसा एंडिंग सोच के रखा और मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट सोच के रखी थी, लेकिन बीच में वो पूरी चीज़ों को उलझाते हुए चले जाते हैं जस्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और वो होता नहीं है कॉम्प्लिकेटेड उतना जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जस्ट एक बोरिंग सी चीज़ है, ही जस्ट लाइक डम्प्स एवरीथिंग ऑन यू। ये रॉ एजेंट भी चल रहा है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी चल रहा है यहाँ पे, मतलब जाह्नवी कपूर की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आसपास के लोग भी उसके मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकती है। ऊपर से डायलॉग्स इतने चिंदी डाल दिए हैं कि मतलब बोरिंग लगता है। इतना ही नहीं, जाह्नवी कपूर जब काफ़ी सारे डायलॉग्स बोलती है जैसे पूरा शेर खा जाऊंगी करके, यू जस्ट लाफ एट दैट पॉइंट, क्योंकि तुमको वो एक्सप्रेशन ही नहीं नज़र आता। मतलब ऐसा लगता है कि सनी देओल वाले डायलॉग्स मतलब जाह्नवी कपूर बोल रही है। दिस इज नॉट इट। लाइक तुम अगर एज अ डायरेक्टर एज अ एक्टर काम कर रहे हो इन चीज़ों पे, तो तुम्हें ये सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि क्या ये उतना इम्प्रेसिव उतना पावरफुल डायलॉग ये बंदा डिलीवर कर पाएगा, क्या इसकी पर्सनैलिटी वैसी है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है डायरेक्टर को, जो कि इन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे चीज़ों पे, बहुत सारे जगहों पे बहुत लैक करते हैं ये लोग। मज़ा नहीं आएगा तुमको, तुम एकदम जाके बोर हो जाओगे। फ्रस्ट्रेटिंग नहीं कहूँगा वर्ड, मतलब बोर हो जाओगे। यू विल जस्ट फाइंड योर सेल्फ पिटिंग ऑन द मूवी कि मतलब अब इसके अलावा क्या ही बोलूँ मैं, कि वो थक जाता है इंसान, थक जाता है इंसान वो मूवी देख करके। 2 घंटे 14 मिनट तुमको 2 दिन जैसा लगेगा। तो कोशिश बहुत तगड़ी करनी चाहिए इन लोगों ने, बट वो कर नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली थ्रिलर बनना उतना ईजी नहीं है। तो यही है मेरा रिव्यू उलझ को लेकर के। अब तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बोलूँगा अगर आर रेटेड देख सकते हो तो उलझ देख लो, औरों में कहाँ दम था भी तो ठीक ठाक ही है। उसका भी रिव्यू होगा तुमको मिल जाएगा चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।